3 बार एनिमा करके देखो, हर बार कितना निकलेगा, पूरा कचरा ही कचरा निकलेगा निकलेगा निकलेगा, और शाम तक ऐसा लगेगा एकदम हल्कापन, पूरा निकलने के बाद हल्कापन एकदम शांत हो जाएगा मन। नेक्स्ट तो क्या पॉइंट सुना, एनिमल लेने वक्त किसी की ना सुने, खुद की सुने, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। 15वां, जिसका पेट साफ उसका दर्द माफ। एनिमल लेने से शरीर से बदबू वाला गैस, चिकना कफ और जलन देने वाला पित्त सम हो जाएंगे, सभी रोग की एक ही दवा। डैश कौन सी? एनिमल। आगे कभी पढ़ लो। एनिमल लेने के तरीके, एनिमल का पानी ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, हमारे शरीर के तापमान जितना या थोड़ा ही ज़्यादा होना चाहिए। एनिमल लेने वक्त आपको जो तरीका पसंद हो उस तरीके से ले सकते हैं। ध्यान इतना ही रखना है कि एनिमा का पानी पेट के भीतर 5 से 10 मिनट तक रुकना चाहिए। पेट में पानी टिक जाने के बाद दोनों हाथों से बिना तेल का मालिश मर्दन करने से पेट में जमा मल अच्छी मात्रा में बाहर निकल जाएगा। शुरुआत में दिन में 3 बार, बाद में दिन में 2 बार एनिमा लेना चाहिए। एनिमा का पानी पेट में आधा चले जाने के बाद थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन थोड़ा दर्द सहन कर लेने से दर्द चला जाएगा और पानी आराम से पूरे आंतों में भ्रमण करते हुए आंतों को एकदम साफ कर देगा। एनिमा भोजन के 2 घंटे पहले और भोजन के 3 घंटे बाद लेना चाहिए, भोजन के तुरंत नहीं लेना चाहिए। एनिमा क्रिया पूरी हो जाने के बाद एनिमा के डिब्बे को अच्छी तरह साफ करके और हमारे गुदा द्वार को भी साबुन से अच्छी तरह साफ करें। ये है आज।